गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय पाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पे। जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा होगा, आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपने अपने एग्जामों में देखे होंगे। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो बेटा जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इसका मतलब है द इंक्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। अगर बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाए बेटा, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और बेटा अगर बाजार में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए, तो बेटा उसे डिफ्लेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं बाजार में पैसे के फ्लो का बढ़ जाना, अगर पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है बेटा, और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बाजार में पैसे की सप्लाई कम हो गई, तो बेटा इससे लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। इकोनॉमिकली अगर अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों ही ऐसे टर्म हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। लेकिन डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खराब है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा, और डिफ्लेशन का मतलब है बेटा जरूरत से कम। अगर मैं बात करूं कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, तो अगर आपको ये लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से और इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी, तो नॉर्मल सी बात है बेटा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो वो ज्यादा कीमत के ऊपर सामान खरीदने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉकेट में पैसा है। जैसे ही कीमतें बढ़ी, तैसे ही जो प्रोड्यूसर था, उसने अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर दिया, प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया, क्योंकि उसे पता है कि लोगों के पास पैसे हैं और वो अधिक से अधिक कीमत पर प्रोडक्टों को खरीदने को तैयार हैं। जैसे ही बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगी, तैसे ही जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादक है, वो बेटा मैनुअल लेबर का इस्तेमाल कम करेगा और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करेगा, क्योंकि उसे उत्पादन बढ़ाना है। और जैसे ही वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा बेटा, तो मैन पावर की इस्तेमाल कम करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की जो स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। इसीलिए बेटा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है और ना ही अच्छा है डिफ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन सबसे ही खराब है। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सही है। दूसरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया। अगर भारत में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है या सप्लाई ऑफ मनी कम होती है, तो बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा, भारत सरकार और इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है बेटा भारत में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने के। और ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो इन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत सरकार, तो भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसीज है जो बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है बेटा, और आरबीआई की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां है बेटा, जो बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम करती है। याद रखिएगा, आप मॉनेटरी पॉलिसीज से रिगार्डिंग एक वीडियो भी है चैनल पे अपलोड, उससे कंप्लीट इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आरबीआई और भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल है भारत में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए। बेटा ये भी याद रखिएगा, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब शॉर्ट टर्म में कम समय के लिए और बाजार में फ्लो ऑफ मनी की सप्लाई है बेटा, अगर वो कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। और बेटा अगर बाजार में एक लंबे समय तक सप्लाई ऑफ मनी कम रहे, तो बेटा ये डिफ्लेशन ही बेटा कन्वर्ट हो जाता है रिसेशन में। और रिसेशन बेटा कब होता है? जब एक लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक रहता है बेटा डिफ्लेशन। ये
किसी भी इकोनॉमी के लिए और खतरे की घंटी है, क्योंकि रिसेशन के समय बेटा आपके जॉब्स कम होने लग जाते हैं और कंपनियों से छटनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। नोट कर लीजिएगा एक बार आप इसे, फिर फास्ट आगे चलते हैं। चलिएगा, तो अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो बेटा इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। बार बार एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन बेटा दो टर्म्स को लेकर के आते हैं, और वो दो टर्म्स क्या हैं? वो दो टर्म्स है बेटा रिफ्लेशन। फर्स्ट जो टर्म है वो होता है आपका रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है बेटा? आपको पता है कि अगर बाजार में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए तो वो डिफ्लेशन है। अब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धीरे धीरे सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाए। तो डिफ्लेशन के बाद बाजार में सप्लाई ऑफ मनी को जब बढ़ाया जाता है तो बेटा इसी स्टेज को बोलते हैं रिफ्लेशन। दूसरा, आपके एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि क्या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ हो सकते हैं बेटा? तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर दोनों साथ हो जाए तो बेटा इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बहुत बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा स्टैगफ्लेशन। अब इसका मतलब तो बाजार में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाना और इसका मतलब बाजार में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाना, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है बेटा? यहां पर इन्फ्लेशन का मतलब तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाना, लेकिन बेटा डिफ्लेशन का मतलब यहां पे हमने लिया है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से। तो अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक इकोनॉमी में एक साथ हो जाए तो बेटा इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है? अच्छा, अब इन्फ्लेशन भी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो डिफ्लेशन खराब है, इन्फ्लेशन फिर भी अच्छा है। लेकिन इन्फ्लेशन की बेटा एक आइडियल स्टेज होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि चीजों की कीमतें बढ़नी चाहिए, चीजों की कीमतें बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ने की भी एक स्टेज होनी चाहिए। अगर चीजों की कीमतें बढ़ी तो उसको भी हम इन्फ्लेशन से ही नापते हैं बेटा। अब अलग अलग स्टेज है इन्फ्लेशन की, वो कौन सी स्टेज है जो बिल्कुल आइडियल है? डिफ्लेशन की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो इकोनॉमिकली और भी खराब है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आपको पता है स्टार्टिंग में जब एक बच्चा चलना भी शुरू नहीं करता तो उससे पहले वो घिसट घिसट के चलता है, गुढ़िया चलता है, और घिसट घिसट के चलने का मतलब है बहुत ही स्लो। जब चीजों की कीमतें 0 से 3% तक बढ़े बेटा तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड जो होता है वो होता है बेटा आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब आपका इन्फ्लेशन तो बढ़े लेकिन बेटा ये 3 से 10% की रेंज में बढ़े तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब बेटा वो बच्चा वॉक नहीं करता, वो बच्चा दौड़ने लगा है, इसे बोलते हैं बेटा रनिंग इन्फ्लेशन। अगर चीजों की कीमतें 10% से 20% के बीच में इंक्रीमेंट होती है तो वो रनिंग है। और फोर्थ स्टेज है बेटा गैलोपिंग। अब वो बच्चा दौड़ता नहीं है, छलांगे मारता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है बेटा कि चीजों की कीमतें 20 से 99% तक बढ़ जाना। और बेटा लास्ट स्टेज है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट आपका 99% या इससे भी क्या हो जाए ज्यादा। इसमें बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि इन्फ्लेशन की आइडियल स्टेज क्या है तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन 3 से 5% के बीच होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन की आइडियल स्टेज है बेटा वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर मैं 2022 इस मंथ मार्च की बात करता हूं तो इस समय हमारे देश का इन्फ्लेशन जो रेट है इकोनॉमी का वो 6.1% चल रहा है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि चीजों की कीमतें बहुत ही रैपिडली क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो आइडियल स्टेज होता है 3 to 5 और ये है बेटा आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब भारत में इन्फ्लेशन को बेटा किस तरीके से
किस तरीके से मेजर किया जाता है। याद रखिएगा, भारत में इन्फ्लेशन को मेजर करने के बेटा दो तरीके हैं, दो पैमाने हैं। जो फर्स्ट है बेटा वो है सीपीआई और सेकंड है बेटा डब्ल्यूपीआई। सीपीआई है वो है बेटा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेटा हम हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ बेटा WPI को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इसे बेटा हम हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। अगर आपको भारत में मेजरमेंट करना है इन्फ्लेशन का, तो बेटा CPI और WPI का इस्तेमाल करते हैं। 2014 के बाद से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है। अब CPI की अगर मैं बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो आप एक उपभोक्ता के नजरिए से मापते हो कि क्या भारत में महंगाई बढ़ी है। और होलसेल का मतलब है बेटा कि आप किसी मंडी में गए और वहां से आपने प्रोडक्ट की कीमतें पूछी। एक उपभोक्ता के नजरिए से तो हमेशा से भारत में महंगाई बढ़ती ही है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट को नापना है तो उसका सबसे सटीक तरीका है बेटा होलसेल प्राइस को देखो कि आज जो चीजें होलसेल में आ रही है वो आज से इतने समय पहले होलसेल में उनका रेट क्या था। इससे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हो भारत में इन्फ्लेशन का। दूसरा, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए आप कौन कौन से प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में पता लगाओगे। अगर प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत सरकार ने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बेटा टोटल 676 प्रोडक्ट को ही शामिल किया हुआ है। इन 676 प्रोडक्ट में से बेटा 102 प्रोडक्ट तो आपके एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से आते हैं बेटा, प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। 555 जो प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बेटा आपके आते हैं किससे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और इसी के साथ साथ इसमें आ जाती है आपकी सर्विसेज, जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है उनकी चीजें आती है। और इसके साथ साथ बेटा जो 19 प्रोडक्ट हैं वो हमने लिया है पावर और इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लगातार अगर मैं बात करूं तो आपका जो पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, अगर लगातार आपकी पेट्रोल और इनकी कीमतें भी बढ़ रही है या लगातार इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही है बेटा, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। कोई फिजिकल गुड्स जो आप खरीदते हो उसकी कीमतें बढ़ रही है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और एग्रीकल्चर से बेटा खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही है तो उन प्रोडक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि 676 जो प्रोडक्ट है बेटा, ये सैंपल साइज काफी छोटा है, क्योंकि प्रोडक्ट काफी क्या है ज्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कह रही है कि इस सैंपल साइज को बढ़ाया जाएगा। अब इतने प्रोडक्टों को आप CPI और WPI किसी से भी आप इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको इन्फ्लेशन निकालना है तो बेटा उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है I2 - I1 / I0 × 100। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले का आंसर प्लस में आता है तो इट मींस बेटा इन्फ्लेशन है, और अगर इसका आंसर माइनस में आता है तो इट मींस बेटा क्या है, डिफ्लेशन। I2 का मतलब होता है बेटा यहां पर प्रेजेंट ईयर रेट, वर्तमान समय के रेट, प्रेजेंट ईयर रेट। I1 का मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर रेट, प्रीवियस मतलब पिछले साल उसका रेट कितना था। और I0 का मतलब होता है बेटा बेस ईयर रेट। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन निकालना है तो उसके लिए आप इस पैमाने का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का मेरे को इन्फ्लेशन निकालना है, मैं इन्फ्लेशन निकाल रहा हूँ मोबाइल का,
तो इस समय 2022 में मैं हूँ। मान लीजिएगा कि वर्तमान समय में जो आपका मोबाइल है वो 10,000 रुपीज का आ रहा है। हम बात करते हैं i1 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में मान लीजिएगा उसके रेट 8,000 थे। हम बात करते हैं बेस ईयर, अच्छा बेस ईयर 2012-2014 माना हुआ है गवर्नमेंट ने, मतलब 2012 CPI के लिए और 2014 WPI के लिए, उस समय के रेटों से आज हम इसे कंपेयर करते हैं। मान लीजिएगा 2014 में और मोबाइल की कीमत 5,000 रुपये थी, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 100 से। तो बेटा इसका जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 200 2000 upon 5000 multiply by 100। इससे ये कट हो जाएगा बेटा 200 upon 5, तो 40। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी कीमतें हैं मोबाइल की, उसमें 40% इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है। ऐसे ही बेटा टोटल 676 प्रोडक्ट्स के हम रेट निकाल लेते हैं और फिर उनसे एवरेज निकाल के ये बता देते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। आंसर अगर पॉजिटिव आए तो इन्फ्लेशन और नेगेटिव आए तो डिफ्लेशन। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।